हेलो फ्रेंड्स, आज हम बिनिमो ऑनेस्ट ट्रेडिंग ऐप के बारे में जानेंगे कि किस तरह से हम इससे घर बैठे हजारों रुपए कमा सकते हैं। हमें बस ग्राफ को देखकर फोरकास्ट करना होता है कि ग्राफ ऊपर जाएगा या नीचे। और अगर आप नए हैं तो डिस्क्रिप्शन लिंक से इस ऐप को डाउनलोड करने पर आपको 65,000 रुपए डेमो अकाउंट में मिलेंगे, जिससे आप ट्रेडिंग करना सीख सकते हैं। ये देखिए, मैंने 2,000 रुपए से फोरकास्ट किया कि ग्राफ ऊपर जाएगा। आप मिनिमम 350 रुपए से भी स्टार्ट कर सकते हैं। देखो, मेरा ऊपर 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 जा रहा है और ये मेरा फोरकास्ट सही हो गया। लेकिन इसमें कभी कभी लॉस भी हो सकता है। 24 घंटे में आप बैंक अकाउंट या पेटीएम के जरिए विड्रॉल आसानी से करा सकते हैं। स्क्रीन पर दिख रहे प्रोमो कोड का यूज करने से आपकी डिपॉजिट मनी डबल हो जाएगी, यानी 500 के 1,000। तो डाउनलोड कीजिए बिनिमो ऑनेस्ट ट्रेडिंग एप्लीकेशन, लिंक इन डिस्क्रिप्शन। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? हमारी कहानियां देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हाँ, बेल आइकॉन पर क्लिक करना मत भूलिएगा। विशाल बहुत ही महत्वाकांक्षी किस्म का आदमी था। वो ठेकेदारी करता था। उसकी पत्नी का नाम मेनका था। वो बहुत ही खूबसूरत थी। विशाल के जीवन का एक ही मंत्र था, बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया। पैसा उसकी सबसे बड़ी कमजोरी थी। वो अधिक से अधिक पैसा कमाना चाहता था। पैसा कमाने की चाहत बुरी नहीं है, लेकिन इसे किसी भी तरह से कमाने के बारे में सोचना गलत इरादों और गलत कामों को बढ़ावा देता है। कुछ मजदूर बिल्डिंग निर्माण का काम कर रहे हैं। विशाल उनके पास ही खड़ा उन पर नजर रखे हुए है। अरे क्या कर रहे हो, क्या कर रहे हो तुम लोग? इतना सारा सीमेंट मिलाओगे तो मैं तो कटोरा लेकर भीख मांगने लगूंगा। साहब, इससे कम सीमेंट लगाएंगे तो बहुत ही कमजोर बिल्डिंग बनेगी। हाँ, वो कभी भी गिर जाएगी, बता रहे। हाँ। अरे ओ सोशल वर्कर, हम कोई ताजमहल नहीं बना रहे जो सालों साल टिके रहे। इतनी मजबूत बिल्डिंग बनाकर हमें अपने ही पेट पर लात नहीं मारनी है। सामान उतना ही लगाओ जिसमें 5-10 साल बिल्डिंग टिकी रहे। 100 साल तक चलने वाला बनाओगे तो हमारे तुम्हारे सभी के बीवी बच्चे भूखे मरेंगे। विशाल ये गोरख धंधा सालों से कर रहा था और इस काम के लिए वो बड़े बड़े अधिकारियों को समय समय पर मोटी रिश्वत भी दिया करता था। इस कारण ज्यादातर कॉन्ट्रैक्ट उसे ही मिलता था। उसकी पत्नी को उसकी पाप की कमाई से नफरत थी, लेकिन अगर वो कुछ बोलती तो विशाल उसे भला बुरा कहने लगता। दुनिया में अगर सबसे हसीन कोई चीज है तो वो है ये दौलत, ये नोट, ये 1,000, 500 के नोट मेरी महबूबा की तरह है। ये कहते हुए विशाल उन नोटों को पागल की तरह चूमने लगता है। चूमते चूमते ही वो अपनी पत्नी मेनका को आवाज देता है। मेनका, अरे ओ मेनका, अरे कहां मर गई तुम? तुम्हें शराब की बोतल लाने को कहा था ना? इतने में मेनका वहां आ गई। उसके आते ही विशाल उसके हाथों से शराब की बोतल ले लेता है और उसे ही मुंह में लगाकर पीने लगता है। ये क्या कर रहे हैं आप? भला ऐसे कोई शराब पीता है? देखो मेनका, पत्नी हो पत्नी की तरह रहो, बाप मत बनो। वैसे मैं तो अपने बाप की भी नहीं सुनता था। अपना नहीं तो कुछ मेरा ख्याल तो करिए। तेरा ही तो ख्याल है मेरी जान, इसीलिए एक नया फ्लैट खरीदा है। इस हफ्ते हम उसमें शिफ्ट होने जा रहे हैं। अरे अभी तो 6 महीने पहले हम इस फ्लैट में आए हैं, फिर से नया घर। अरे तू बहुत बोलती है, तेरी किस्मत बहुत अच्छी है कि तेरी मेरे साथ शादी हुई। यहाँ तो लोग पूरी जिंदगी एक घर तक नहीं बना पाते और तुझे 6 महीने में ही एक नया घर रहने को मिल रहा है। वो कहते हैं ना कि समय एक समान कभी नहीं रहता, ये तो एक चक्र की तरह है, कभी निचला भाग ऊपर तो कभी ऊपरी भाग नीचे। लगातार विशाल खराब क्वालिटी के मटेरियल द्वारा बिल्डिंगों का निर्माण करवा रहा था। इस कारण उसके निर्माण कार्य में बहुत शिकायतें आने लगी। जिन अफसरों को वो मोटी रकम देकर अपना काम निकलवा लेता था, वो भी उससे पल्ला झाड़ने लगे। विशाल फोन पर बात कर रहा है। अरे सिंह साहब, ऐसा मत करिए, आप तो घर के ही आदमी हैं। लाखों रुपए मैंने आपको दिए हैं, इस बार ऐसा क्या हो गया जो आप मेरा टेंडर नहीं पास कर रहे हैं? लाखों रुपए दिए हैं तो मेरे द्वारा करोड़ों कमाए भी हैं, मुफ्त में नहीं दिए। इस समय मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता। विशाल को नए कॉन्ट्रैक्ट मिलने लगभग बंद हो गए। आमदनी बंद हो गई तो उसकी हालत पागलों की तरह हो गई, क्योंकि उसे हर दिन नोटों की गड्डियों को देखने की आदत हो गई थी।
उसे पता था कि सिंह साहब चाह ले तो बहुत कुछ हो सकता है, लेकिन इस बार पैसे लेकर भी वो काम करने को तैयार नहीं थे। एक दिन जब सिंह साहब ऑफिस से निकल रहे थे तो विशाल उन्हें अपने घर पर ले जाने की जिद करने लगा। पहले तो सिंह साहब आनाकानी करते रहे, लेकिन विशाल ने जब पुराने संबंध का हवाला दिया तो वो मान गए। शाम को दोनों घर पहुंचे। विशाल और सिंह साहब बैठे हुए हैं। अब भूलिए, क्या लेंगे आप? आज पीने का मूड नहीं है विशाल। अरे सिंह साहब, आज आपको एकदम मस्त ब्रांड पिलाता हूँ। इसका नशा धीरे धीरे चढ़ता है और ऐसा चढ़ता है कि भाई साहब आप दीवाने हो जाते हैं इसके। हाँ। उसके बाद विशाल अपनी पत्नी मेनका को आवाज देता है। मेनका, अरे ओ मेनका, इतना देर क्यों कर रही हो? आज घर में मेरे सबसे पसंदीदा गेस्ट आए हैं, जल्दी से शराब और पकौड़े लेकर आओ। मेनका एक ट्रे में शराब और पकौड़े लेकर आई। सिंह साहब ने जब विशाल की पत्नी मेनका को देखा तो देखता ही रह गया। उसका गोरा रंग, उसके लंबे काले बाल, उसके होठों के पास का काला तिल, उसे देखकर वो अपना सुध-बुध खो बैठा। विशाल ने सिंह साहब को अपनी पत्नी को ताड़ते देख लिया। क्या बात है सिंह साहब? कुछ नहीं, कुछ भी तो नहीं। फिर मेनका कमरे के अंदर चली गई, लेकिन सिंह साहब की नजरें जब तक वो अंदर नहीं गई उसी पर टिकी रही। सिंह साहब, देखिए मैं बहुत तकलीफ में हूँ, मार्केट से बहुत पैसा उठा रखा है, सभी तकादा कर रहे हैं, अगर कोई नया काम नहीं मिला तो बहुत मुसीबत हो जाएगी। लेकिन सिंह साहब तो किसी और दुनिया में ही विचरण कर रहे थे। वो सपने में विशाल की पत्नी को अपनी बाहों में भरे घूम रहे थे। विशाल क्या कह रहा था उस पर उनका ध्यान नहीं था। सिंह साहब, आपने सुना मैंने क्या कहा? सॉरी विशाल, मैं कुछ और सोच रहा था। हाँ तो तुम क्या कह रहे थे? सिंह साहब, कुछ इस गरीब पर भी ध्यान दीजिए, कॉन्ट्रैक्ट मिलना बिल्कुल बंद हो गया है, इस तरह तो मैं सड़क पर आ जाऊंगा। अरे विशाल, इतनी सुंदर पत्नी है तुम्हारी और तुम ऐसी बातें कर रहे हो? अरे तुम चाहो तो कॉन्ट्रैक्ट क्या, बड़ी बड़ी कंपनियों में तुझे पार्टनरशिप दिलवा दूं, लेकिन इस बार कीमत ज्यादा होगी। हाँ। अरे वाह, लेकिन कितने पैसे देने होंगे बोलिए तो। पैसे नहीं, अब मुझे तुम्हारी बीवी चाहिए। मेरी बीवी चाहिए? मैं समझा नहीं। देखो विशाल, कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। मैं तुम्हारी बीवी के साथ रात बिताना चाहता हूँ, फिर तुम्हारे लिए सारे रास्ते खुल जाएंगे। विशाल पैसों का भूखा था, उसने पैसों के लिए अपनी बीवी का सौदा करने का तय कर लिया। उसने अपनी बीवी से इस बारे में बात की। दिमाग खराब हो गया है आपका, आपको शर्म नहीं आती अपनी बीवी से ऐसी बातें करते हो? ओ भारतीय नारी, जरा चुप हो जा और कान खोल कर मेरी बात सुन। मुझे बहुत अमीर बनना है, समझी? पैसा मेरी कमजोरी है तू जानती है, और इसके लिए तुम्हें किसी के पास मुझे सुलाना भी पड़े ना तो मैं एक कदम भी पीछे नहीं हटूंगा। मैं नहीं कर सकती ये। अरे तेरा पति तुझे बोल रहा है ना करने को तो करना, मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता। अरे मेरे साथ तो सोती है ना, बस समझ लेना तू मेरे साथ ही है। मेनका को विशाल पर बहुत गुस्सा आ रहा था। उसका मन तो कर रहा था कि वो कहीं भाग जाए, लेकिन वो चाह कर भी भाग नहीं सकती थी क्योंकि विशाल उसे भागने नहीं देता। अगले दिन सिंह साहब आ गए। विशाल ने उन्हें अपनी पत्नी के साथ एक कमरे में बंद कर दिया। मेनका चिल्लाती रही, लेकिन विशाल उसकी आवाज को अनसुना कर दूसरे कमरे में चला गया और तेज आवाज में कमरे में म्यूजिक सिस्टम बजाने लगा। सिंह साहब और मेनका एक कमरे में है। देखिए, मुझे छोड़ दीजिए, मैं ऐसी वैसी औरत नहीं हूँ। अरे छोड़ना ही तो है मुझे, तुम्हारी बाहों में बिल्कुल आजाद। देखिए मुझसे दूर रहिए, नहीं तो मैं चिल्लाऊंगी। तेरी आवाज बाहर ना जाए उसका इंतजाम तेरे पति ने ही कर दिया है। चल अब ज्यादा समय खराब मत कर और मुझे खुश कर। मेनका एक असहाय औरत की तरह चिल्लाती रही। सिंह साहब उसके शरीर के साथ साथ आत्मा को भी आहत करते रहे। उसका बेशर्म पति विशाल पत्नी का सौदा करके खुद को मर्द समझने की भूल करता रहा। विशाल हर नए कॉन्ट्रैक्ट के लिए अपनी बीवी के सम्मान को ठेस पहुंचाता रहा। अब तो सिंह साहब के अलावा और भी कई लोग मेनका की इज्जत को रौंदते रहे। उधर विशाल नोटों के बिस्तर पर सोता रहा और मेनका कांटों के बिस्तर पर आंसू बहाती रही। क्या हो गया है जीवन मेरा, क्या जीवन हो गया है मेरा, घिन आने लगी है मुझे खुद से, मुझे आजादी चाहिए इस नरक की जिंदगी से। मेनका किसी भी कीमत पर वहां से निकलना चाहती थी, लेकिन उसे कोई मौका ही नहीं मिल रहा था। एक दो बार विशाल का मोबाइल उसे दिखा, लेकिन जैसे ही वो उससे किसी को कॉल करने लगी
पीछे से वो आ गया। लेकिन एक दिन मेनका को मौका मिला जब उसकी पड़ोसन श्यामा ने उसके दरवाजे की घंटी बजाई। विशाल ने दरवाजा खोला। भाई साहब, वो थोड़ी चीनी चाहिए थी। कल मैं मार्केट तो गई थी लेकिन चीनी लाना भूल गई। अब इतनी सुबह सुबह तो कोई दुकान खुली तो होगी नहीं। विशाल ने मेनका से श्यामा को चीनी देने को कहा और साथ ही उसे मुंह बंद रखने की हिदायत भी दी। फिर वो टीवी देखने लगा। बस उसी समय मेनका के दिमाग में एक आइडिया आया। उसने फट से एक कागज में लिखा कि मैं मुसीबत में हूँ, प्लीज मुझे बचाइए, और ये कागज चीनी के कटोरे के अंदर छिपा दिया। श्यामा ने जब चाय में चीनी डालने के लिए कटोरे में हाथ डाला तो वो कागज भी उसके हाथ आ गया। उसे पढ़ते ही उसका दिमाग सुन्न हो गया। उसने तुरंत पुलिस को खबर की। आधे घंटे में पुलिस विशाल के घर पर आ गई। अरे इंस्पेक्टर साहब, आपको कोई गलतफहमी हो रही है? यहाँ तो सब ठीक है, मैं और मेरी पत्नी खुशी खुशी यहाँ रहते हैं। ये पड़ोसी हमारे प्यार से चलते हैं, इसलिए लगता है किसी ने कोई शरारत कर दी है। विशाल ये कह ही रहा था कि अंदर से मेनका आ गई और पुलिस को सब सच सच बता दिया। पुलिस ने उसे 4-5 डंडे वहीं खींच कर मारे और फिर वो उसे ले जाने लगी। अरे मेनका, ये तूने क्या कर दिया? मैं तेरा पति हूँ, तू अपने पति को जेल भेज रही है। चुप कर, पति का मतलब भी समझते हो क्या होता है? बेशर्म आदमी, तू इंसान के वेश में लालची दरिंदा है जो पैसों के लिए किसी भी चीज का सौदा कर सकता है, अपनी बहन, बेटी, बीवी, किसी का भी। पुलिस विशाल को जेल ले गई। अब भी उसके ऊपर मुकदमा चल रहा है। इधर मेनका उस सदमे से उबरने की कोशिश कर रही है जो सदमा और दर्द विशाल ने उसे दिया था। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? हमारी कहानियाँ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हाँ, बेल आइकॉन पर क्लिक करना मत भूलिएगा।